अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को या किसी और के इंस्टाग्राम पोस्ट को अपनी स्टोरी पर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है। करना क्या है कि आपने यहां पर अपने इंस्टाग्राम में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपने पोस्ट को जो है लगाना है स्टोरी पर, तो आपने यहाँ प्रोफाइल पर आ जाना है। जिस पोस्ट को आपने लगाना है, ठीक है, आपने उसी पोस्ट को जो है क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी पर क्लिक कर देना है और ये आपका पोस्ट आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम और आपका जो यहाँ पर बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके नाम वगैरह आ जाएगा। अगर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ वो बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ वही पोस्ट यानी वो पिक्चर रह जाएगा और उसके साथ नीचे जो है आपका यूज़र नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कुछ आपने लिखना है यहाँ पर, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टिकर वगैरह लगाना है या म्यूज़िक लगाना है, कुछ भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर इसमें कोई जो है स्टाइल वगैरह ऐड करनी है, कोई थीम, ठीक है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर ले और डन कर ले। उसके बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करके अगर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं इस पर, तो ड्रा कर ले, और अगर इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपने शेयरिंग टू योर स्टोरी, तो आपने यहाँ से इसको अपनी स्टोरी पर शेयर कर देना है। सिंपली आपने यहाँ इस शेयर पर क्लिक कर देना है और आपके पास ये शेयर हो जाएगा। अगर आप क्लोज़ फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और अपने क्लोज़ फ्रेंड को चूज़ करें और उसके साथ शेयर कर दें। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये हमारी स्टोरी, ये पोस्ट जो है स्टोरी पर शेयर हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है और आपका पोस्ट जो है शेयर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।